हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के जो 1500 प्लस क्वेश्चन वाली जो सीरीज चल रही थी उसे देख रहे थे, लेकिन आप लोगों को एक नया खुशखबरी दे दूं कि आपको जो 1500 से प्लस जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी वो तो अभी चलेगी ही, वो अभी कम से कम 5-6 दिनों तक चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी की आपको सीरीज आज से ही स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको उसमें भी आपको 1500 प्लस से आपको लगभग 2000 के आसपास जो है ना टोटल क्वेश्चन होंगे। कुल क्वेश्चन की संख्या आपको लगभग 2000 के आसपास होगी, वो भी आपको बीपीएससी, आईएआरआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, अन्य सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी सवाल हैं वो सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और आपको जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं अभी हाल में, चाहे एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, या आपको एमपीएसआई हो, या आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का पेपर हो, इन सभी के आप लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग देखते हैं पहले पॉलिटी का जो 1500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम लोगों ने कल तक कुछ देख लिया था, लगभग 700 के आसपास जो है ना हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न ये है कि संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आप लोगों को सबको पता है कि 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा के सभी सदस्यों ने आपको संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 26 जनवरी मत लगाइएगा, संविधान पे जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, और मैंने ये भी बताया था कि संविधान के 3 प्रतियां पे आपको जो है ना हस्ताक्षर की गई थी। कितनी कॉपीज पे हस्ताक्षर की गई थी? 3 प्रतियां पे हस्ताक्षर की गई थी। मतलब आपको 26 जनवरी को तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, लेकिन लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे सभी ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये था संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को आपको हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो आपको संविधान पे हस्ताक्षर करते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया। संविधान सभा को अंतरिम संसद में 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित किया गया। संविधान सभा को अंतरिम संसद में कब परिवर्तित किया जाता है? तो संविधान सभा को अंतरिम संसद में आपको संविधान सभा को लागू किया जाता है, संविधान सभा के जो जितने भी सदस्य थे 24 जनवरी को आपको उस पे हस्ताक्षर करते हैं और 26 जनवरी को संविधान को अपना लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है? स्वतः समाप्त हो जाती है। पहले भी आ चुका है किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो आपको भारतीय नागरिकों को जो है ना 6 प्रकार की स्वतंत्र जो है आपको आजादी दी गई है, 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्य सभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो मतलब धन एक क्वेश्चन कुछ अटपटा सा कुछ मतलब गलत क्वेश्चन सेट हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको टाइपिस्ट ने टाइपिंग करने वालों ने कुछ गलत कर दिया है। हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ये ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि ये धन विधेयक का जो मामला होता है उस पे आपको जो है राज्यसभा का क्या अधिकार होता है, तो राज्यसभा का केवल सिफारसी अधिकार होता है। धन विधेयक के मामले में जो है ना राज्यसभा का क्या अधिकार होता है, तो आपको केवल और केवल उसे सिफारिश करने का अधिकार होता है। इसका उत्तर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन है, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि आपको जो भारत के 2 राष्ट्रपति थे, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की मृत्यु आपको राष्ट्रपति
के पद पे रहते हुए होता है, मतलब जो राष्ट्रपति की मृत्यु होती है डॉक्टर जाकिर हुसैन की और आपको फखरुद्दीन अली अहमद की, उनकी आपको कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो जाती है। राष्ट्रपति के पद पे जब वो रहते हैं तभी उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से आपको दो राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी पद पे रहते हुए, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और आपको एक फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न है अगला, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति तो राज्य में राज्यपाल, और कार्यपालिका शक्ति की अगर जो है ना केंद्र में बात कर रहा है तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है ना आपको राज्य में कौन होता है? तो राज्यपाल। और केंद्र में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? आपको एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? आपको राष्ट्रपति होता है। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो आपको जम्मू कश्मीर का एक क्वेश्चन जो है, इसमें संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक है। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में जो संसद की अधिकारिता जो है ना, संघ सूची के साथ साथ जो है ना आपको राज्य सूची के विषयों तक भी है आपको उसकी अधिकारिता। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो क्रमशः विधान सभा और विधान परिषद। जैसे आपको जो केंद्र में होता है तो केंद्र में जो है निम्न सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को। केंद्र में निम्न सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को। और उच्च सदन किसको बोला जाता है? तो राज्यसभा को। निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन को किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। तो ऐसे याद करिए, निम्न मतलब आपको जो है ना निचला सदन, निचला सदन लोकसभा, छोटा वर्ड आ रहा है, जैसे भी याद करना हो। मैं तो पहले ऐसे ही याद किया था कि निम्न मतलब जो है ना छोटा, छोटा मतलब दो वर्ड का, तो लोकसभा। और राज्य यहाँ पे उच्च, उच्च मतलब बड़ा, उच्च मतलब क्या? बड़ा। तो ये ढाई वर्ड का आ रहा है। कितने वर्ड का आ रहा है? ढाई वर्ड का। तो ये आपको उच्च सदन जो है ना आपको राज्यसभा को बोला जाता है और आपको लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है केंद्र में। लेकिन अगर हम लोग किसमें बात कर रहे हैं? राज्य में। तो राज्य में जो है ना निम्न सदन किसको बोला जाता है? विधानसभा को। और आपको उच्च सदन किसको बोला जाता है? विधान परिषद को। ये जो आपको विधानसभा है उसको क्या बोला जाता है? निम्न सदन। और आपको विधान परिषद को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो महान्यायवादी का कार्यकाल जो है ना राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल जो है ना आपको किसके इच्छा अनुसार होता है? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड में सर्वोच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं और उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार, अगर जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है या आप उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, ठीक है, तो उसको आपको जो कदाचार का आरोप जो लगाया जाता है तो वो आपको कहां पे पेश किया जाता है? मतलब वो आपको जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो आपको न्यायाधीश होते हैं उनके विरुद्ध जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है वो कहां पे लाया जाता है? तो आपको वो राज्यसभा में भी ला सकते हैं और लोकसभा में भी ला सकते हैं, मतलब संसद के किसी भी सदन में आपको प्रस्तुत किया जा सकता है ये प्रस्ताव, अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जाता है। तो उस मंत्री का नाम बताइए जिसने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। तो आपको वो वित्त मंत्री कौन था? पीके षणमुखम शेट्टी। उस वित्त मंत्री का नाम क्या था जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया? 1952 में जो है आपको पहला आपको आम बजट जो है उसको कौन पेश करता है? पीके षणमुखम शेट्टी। तो आप देख सकते हैं, शेट्टी कह लीजिए, चेट्टी कह लीजिए, जो भी है, आपको पहले वित्त मंत्री कौन थे हमारे देश के, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पीके षणमुखम शेट्टी, पीके षणमुखम शेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था, मतलब जब निर्माण हो रहा था, मतलब आजादी के समय जो है ना, जब आजाद होने वाले थे हम लोग, तो भारतीय संविधान जब निर्माण किया जा रहा था उस समय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। कौन था? बी एन राव आपको
वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के जो है ना, संविधानिक जो प्रक्रिया चल रही थी, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, उस समय संविधान सभा जो थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है बीएन राव। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो राष्ट्रपति पद से संबंधित जो चुनाव, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित जो विवाद होता है वो उसको कौन उसको सॉल्व करता है, सर्वोच्च न्यायालय। मतलब कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आपको विवाद होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना आपको निर्देशित किया जाता है। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो आपको जो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको आपातकाल के दौरान भी, इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी आपको उसको सीमित नहीं किया जा सकता है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपातकाल के दौरान कौन से जो है ना अधिकार को जो है ना सीमित नहीं किया जा सकता है, जीवन और शारीरिक जो स्वतंत्रता है उसको जो है ना नहीं किया जा सकता है सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी, अगर किसी भी व्यक्ति को नजरबंद कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी याचिका क्या होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, हैबियस कॉर्पस। क्या होता है हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि आपको जो व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको क्या कर दिया जाता है, आपको थाने में ये सब सारी चीजों में उसको जो है ना बंद कर दिया जाता है, या आपको कभी भी किसी व्यक्ति को अपने पक्ष को रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि वो रिहाई के लिए जो याचिका दायर किया जाता है, आपको याचिका जो दायर किया जाता है आपको रिहाई के लिए किसी भी व्यक्ति को, तो वो जो है ना उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब बंदा को जो है ना प्रत्यक्ष जो है ना आपको लाना है जिससे वो अपनी बात को रख सके कोर्ट के सामने, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए जो है ना सबसे अच्छी याचिका क्या है, सबसे उचित याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि पांच, कितने प्रकार की याचिका की बात कही गई है हमारे संविधान में, पांच तरह की याचिका की बात कही गई है। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है, आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने बचाव के लिए अपने मनपसंद वकील को जो है ना लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में उसे अपनी वकील जो है ना करने का संवैधानिक, अपने पसंद की वकील करने का संवैधानिक अधिकार है, अपने मनपसंद वकील को जो है ना चुन सकता है और आपको उसके सहयोग से केस मुकदमा लड़ सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, अरे तो हमारे भारतीय संविधान का जैसे प्रस्तावना खोलोगे तो सामाजिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। मतलब जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको जो है ना आपको सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक न्याय और राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जस्टिस के अर्थ में आपको न्याय की बात कही गई है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित है, तो लोकसभा में एससी के लिए जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए आपको कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो उसके लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश में 0 सीटें रिजर्व है। कितने सीटें रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, तो 0। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो 18 भाषाओं को। हमारा संविधान का जो भाग 22 है, भाग 22 ठीक है, उसमें आपको जो टोटल 18 भाषाएं हैं उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। मतलब हमारे भारत के संविधान में 18 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि हमारे भारत की जो भारतीय संघ है उसकी भाषा क्या होगी, हिंदी, और आपको उसकी जो लिपि क्या होगी, तो देवनागरी। अनुच्छेद 343 में जो है ना हमारे
राजभाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? हमारा राजभाषा का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है ना, संघ की भाषा हिंदी होगी और आपको लिपि क्या होगी? देवनागरी। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय पाप की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की जा चुकी है? संविधान में अब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 3 बार की जा चुकी है। मैं पहले भी बात किया हूं, पहला वाला जो है ना आपको 1962 में किया जाता है, 1962 में, दूसरा वाला 1971 में और तीसरा वाला आपको 1975 में 25 जून को। मतलब इस तरह से कह सकते हैं राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कितने बार की जा चुकी है? तो 3 बार। आपको वित्तीय आपात भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी 1 बार भी नहीं लगी है, वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा है। आपको राष्ट्रीय आपात कितने बार? 3 बार। राष्ट्रीय आपात से संबंधित कौन सा जो है अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से। किससे संबंधित है? आपको राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का से, राष्ट्रपति शासन, अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 360 में क्या था? आपको वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में क्या था? वित्तीय आपात। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपको 3 तरह के जो है ना, आपको अनुच्छेद के बारे में देखा। 352 में 4 ऐड कीजिएगा तो 56 आएगा, 56 में 4 ऐड कीजिएगा तो आपको 60 आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि हमने अभी तो देखा कि जो है हमारे संविधान में कितने बार जो है ना राष्ट्रीय आपात लगाई जा चुकी है, तो 3 बार। अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया का, संविधान में संशोधन करने का जो है ना आपको प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। संविधान में संशोधन करने का प्रावधान जो है ना अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है, जिसका आपको जो है ना हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 368 में आपको जो है संविधान में संशोधन प्रक्रिया की के बारे में उल्लेख है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो आपको संविधान में अगर कुछ संशोधन करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, कुछ भी बदलाव लाना है, तो उससे संबंधित जो है ना विधेयक आप सदन के किसी भी सदन में आप जो है ना, चाहे राज्यसभा हो चाहे आपको लोकसभा हो, इन दोनों सदन में से किसी भी सदन में आप प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं, प्रावधान को ला सकते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान में संशोधन करने की जो है ना व्यवस्था आपको अनुच्छेद 368 में है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संशोधन करने की प्रक्रिया को। लेकिन यहाँ पे जो है ना जनमत संग्रह की व्यवस्था भारत में नहीं है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। आगे देखते हैं, जहां तक उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वैसे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जो आपको इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिया? केशवानंद भारती मामला जो 1907, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कभी मैं बताऊंगा, इस पे जो है ना वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे, तो आप लोग देखिएगा, कम से कम आधे घंटे का होगा, बहुत मैं कम समय का बता रहा हूं। तो उसमें जो है केशवानंद भारती मामला जो था, उसमें आपको जो संविधान का आधारभूत ढांचा को सुरक्षित करने की बात कही गई। केशवानंद भारती मामले में 1973 में आपको अगर संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिया था? तो केशवानंद भारती मामले में। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, एक बार पहले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। केशवानंद भारती मामले में संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसको सुरक्षित करने का प्रावधान जो है ना आपको प्रतिपादित किया था। लोगों ने पूछा, बोला कि क्या क्या संविधान में ऐसा है जो आपको, ये संविधान का कौन कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन कौन सा ऐसा भाग है, कौन कौन सी ऐसी बात है जो आपको संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो बेसिक स्केलेटन ऑफ, बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान जब इनसे पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई
किस किस चीज में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो समय जब जब आएगा तो मैं बताते जाऊंगा कि ये जो आपको बात है इस बात में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आधारभूत ढांचा है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा संविधान का जो प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द को लिखा गया है, तो अब इसमें कुछ लोकतंत्र को जो है ना आप राजतंत्र मतलब उसमें संशोधन करके ला रहे हैं या किसी भी अन्य तरह का जो है ना संशोधन करके, जैसे हमारे देश में एक जो है ना कहा जाता है कि धर्म निरपेक्ष है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बहुत सारे लोग जो है ना उठ जाते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र। तो जब हो सकता है कि मैं ऐसा अपना पक्ष रख रहा हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपको समय आएगा तो कोई बोलेगा कि नहीं धर्म निरपेक्ष को हटा के यहाँ पे हिंदू राष्ट्र कर देते हैं, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय जो है उस पर क्या बोलेगी कि नहीं यहाँ पे जो है ना संशोधन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको शब्द है धर्म निरपेक्ष है मतलब ये संविधान का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी कितना भी जो है ना आपको बाबा हो चाहे कोई हो आपको कुछ भी मांग करते रहे कि नहीं हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा चाहे मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण होगा। खैर ये सब तो बात की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको ये धर्म निरपेक्ष के लिए ही हमारा देश जाना जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो चाहे मुस्लिम कंट्री हो चाहे हिंदू राष्ट्र हो, वो सभी लोगों की एक अलग अपनी पहचान है, भारतीय संस्कृति जो है भारत देश जो है आपको अपना धर्म निरपेक्ष और आपकी ये जो विभिन्न प्रकार की विविधता है भारत में, विभिन्न तरह के धर्म के मानने वाले लोग, विभिन्न तरह के भाषा के मानने वाले लोग, विभिन्न जाति के लोग, बहुत तरह के जो है ना आपको विविधता होने के बावजूद सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो भारत की जो है ना आपको अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है कि इसमें जो है ना कोई संशोधन की जरूरत नहीं है और संशोधन ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन खैर आगे देखते हैं अपन लोग, आगे देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारत का संविधान है उसका प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है, तो हमारे देश का भारत और इंडिया उल्लिखित है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, पंजाब में, उस समय पेप्सो के नाम से जाना जाता था। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लागू होता है, पंजाब में आपको सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू होता है, पंजाब में आपको राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू होता है। 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1938 में पहली बार आपको व्यस्क मताधिकार के आधार पे जो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांगी गई थी। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान मतलब आजादी से जब हम लोग एक तरह से एक गणतंत्र मतलब जो है पूर्ण रूप से गणतंत्र हमारा राष्ट्र घोषित होता है उसके बीच भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, तो ब्रिटिश राष्ट्र कुल के अधीन था, मतलब भारत को एक डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस मिला हुआ था, भारत एक जो है ना ब्रिटिश राज के अधीन था, मतलब एक ऐसा स्टेटस मिला हुआ था कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था उस समय, मतलब भारत एक तरह से कहा जाए तो एक सॉवरेन कंट्री नहीं था, विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप तब तक जारी था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, लेबर पार्टी की। मैंने पहले भी बताया कि आपको ब्रिटेन में जो है ना किस तरह का जो है ना सिस्टम है, आपको बाई पार्टी सिस्टम है, द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है। अमेरिका में भी क्या है, बाई पार्टी सिस्टम है, तो आपको ब्रिटेन में लेबर पार्टी के साथ साथ एक और पार्टी चुनाव लड़ती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी। भारत में कैसी आपको व्यवस्था है, तो मैंने बताया भारत में जो है आपको बहुदलीय व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे तो जो है ना, अब मैं अतिशयोक्ति ना करूं तो मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा ज्यादा और अतिशयोक्ति हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हर एक स्टेट में कम से कम जो है ना ऐसी 100 से जो है ना आपको 500 पार्टियां होंगी जिसको लोग जानते तक नहीं होंगे, हर एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो है क्या है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, RJD, ठीक है, JDU, तो बसपा, सपा, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो यहाँ पे जो है ना बाई पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है।
संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में आपको संविधान के संशोधन अगर करना है, संविधान में कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंजेस लाना है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ संशोधन करना है, तो आप किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को ला सकते हैं। इस विधेयक को या तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं या तो लोकसभा में भी, मतलब सदन, संसद के किसी भी सदन में इस विधेयक को लाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है क्या? अरे यार नहीं, सिंपल सी बात है कि आपको जो है संसद के द्वारा जो कुछ भी संविधान में संशोधन करने का जो है ना, आपको प्रक्रिया का जो है ना, कोई प्रक्रिया लाई जाती है, मतलब उसके लिए बिल लाया जाता है, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति का जो है ना, हर एक जो है ना संवैधानिक संशोधन में आपको अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, क्या है क्वेश्चन इसी का जो है ना, को गलत उसमें जो है ना कुछ टाइप वाइप हो गया है। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? वीवी गिरी जो है ना, आपको मैंने बताया था कि द्वितीय पसंद के मतों की गणना पे, फर्स्ट चॉइस पे नहीं, जो सेकंड चॉइस जो है ना, द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अब वो आपको जो है ना राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, वीवी गिरी। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? नहीं, आंतरिक ये इसमें संविधान में संशोधन के जरिए जो है ना आपको इसमें कुछ चेंजेस लाया गया था और ऐड किया गया था कि भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर जो है ना राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से। राष्ट्रपति को जो है ना वेतन किससे मिलता है? भारत की संचित निधि से आपको राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो है आपको संसद के सदन में सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। प्रश्न है नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात की गई है? प्रस्तावना में। अभी तो हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान में तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमारे संविधान में आपको तीन प्रकार की जस्टिस की बात कही गई है, तो वो प्रस्तावना में कही गई है, ठीक है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आज बस इतना ही, इसके बाद जो है ना आप देखिएगा ज्योग्राफी का भी जो है ना वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अब हमने क्या किया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप से जो है मैंने शुरू किया है। इसमें आपको चार ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से आपको जो है ना एक उत्तर होगा और जो सही उत्तर होगा उसको मैं टिक लगा के समझाते जाऊंगा, आप लोग समझते जाइएगा। थोड़ी सी व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाया गया है और आपको पॉलिटी में भी अब ऐसी ही व्यवस्था लाई जाएगी जो कि आगे से चलेगा। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वैसे अभ्यर्थी जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं प्लीज उन्हें आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी सभी वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।